के बच्चे पेट काटना बंद करो। नहीं काल तो मैं बाल बाल कर दूँगा तब नहीं काल जाएगा। मैं पेट काटूँ इसे मैं क्या? हाँ तब तक करूँगा। बाल बाल बच गया मैं। हेलो लक्का बोल रहा हूँ। लक्का आज संडे हो गया है और तुमने अभी तक शुक्रवार के कोटे की लकड़ी भी नहीं भेजी। मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। असल में उन बदमाश भालुओं ने एक बार फिर से मुझे रोक दिया। वो हर बार ऐसा ही करते हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं वो। माफ करना, बहुत बहुत माफ करना। फिर वही पुरानी बातें। ठीक है, मैं तुम्हें उन भालुओं से अब पूरा ही छुटकारा दिला देता हूँ। अब मैं तुम्हें सबसे आधुनिक ट्रैकर भेज रहा हूँ। अब की बार चूकना नहीं, लेकिन इसका पैसा तुम्हारी तनख्वाह से ही निकलेगा। मैं बहुत आभारी हूँ, आपको निराश नहीं करूँगा। लक्का के लिए सामान आया है। इतनी जल्दी आ गया, बहुत खूब। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अलविदा। मुझे नए नए उपकरण बहुत पसंद है, ये मुझे युवा बना देते हैं फिर से। वाह, ये तो कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, मैं इसे किस पर आजमा के देखूं? ये भी चलेगा? चल रहा है ये कितना कमाल का उपकरण है। लेकिन मैं ये उन भालुओं पर चिपकाऊंगा कैसे, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा हुआ मैंने ये पानी की टंकी संभाल के रखी थी, उन भालुओं से छुपने का इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता। वो बदबूदार भालू हैं कहाँ आ गए? क्या हो रहा है? काम बन जाएगा। मुझे इसमें देखने के लिए दो छेद बना देने चाहिए थे, मुझे पता ही नहीं चला मैं हूँ कहाँ। ये क्या था? शायद कुछ नहीं। हाँ अब ठीक है ना? ये तो शायद है तुम्हारा बचा हुआ। कहाँ गया? ठीक है, अब कहाँ चिपकाऊँ मैं? ऐसी जगह जहाँ से वो निकाल ना पाए। बिल्कुल पीठ पर ठीक रहेगा। अरे नहीं, मैं इसमें हाथ के लिए छेद बनाना भूल ही गया। अरे चलो छोड़ो। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? मैं हार मानता हूँ। अरे बाप रे, मेरा जूता। शायद खराब हो गया जी। माँ कसम, ऐसा लगा कुछ लुढ़कता हुआ गया। ये हुई ना बात। चलो। ओह, इसका मतलब है वो दोनों आ रहे हैं। बढ़िया। अरे ये क्या लगा? जैसे कोई आदमी चला रहा है। तुमने सुना वो? ऐसा लगा, अजीब बात है। नहीं। ए, सुनो उस आवाज उस तरफ से आ रही है। वो दोनों फिर आ गए।
ऐसा लग रहा है जैसे हम छुपन छुपाई खेल रहे हैं। क्या मिठाई? वो नहीं, रुको वहाँ। मेरा काम हो गया, अब आराम करते हैं। ये तो आराम करने लगे हैं। अजीब बात है, वो हमेशा एकदम आगे रहता है। पता नहीं कैसे, लेकिन इस वक्त मेरे पीठ पे कुछ नहीं आ रहा है। अरे ये क्या है? मुझे देखते दो। ये कहाँ से आया? मुझे लगता है ये मेरे पीठ पे था। ऐसा क्या? छोटे देखो मेरे पीठ पर भी क्या है क्या? ऐसा ये देखो। ये क्या? तुम्हें लगता है मेरा शक सही था? अब समझा? मुझे लगता है लखा ने हमारे पीठ पे लगाया है। लगता है ये हमें ट्रैक करने के लिए है। चलो उस टकले लखड़ा रहे को सबक सिखा रहे हैं। चलो मेरे साथ चलो। इस यंत्र की मदद से वो भालू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब मैं आराम से पेड़ काट काट कर इस जंगल का मैदान बना सकता हूँ। लगता है मेरा शक सही था, उसे पता नहीं है हम कहाँ हैं, समझे तुम? मुझे क्यों रुका? बोलो। ये देखो, मैं बोलता हूँ हम लक्का को बेवकूफ बनाते हैं। क्या बोलते हो? ये लो, एक तुम्हारे लिए। मेरे लिए? अब बाकी जंगल के दूसरे जानवरों को दे दो। समझ गए तुम रेंचो? हाँ वो तो मैं कर दूंगा। अजीब बात है, समझ में नहीं आ रहा ये काम क्यों नहीं कर रहा। क्या ये यंत्र खराब हो गया है? अरे कबाड़ कहेंगे, मैं तुझे कचरे के डब्बे में फेंक दूंगा। ये तो चल रहा है, चलो पेड़ काटना फिर शुरू करता हूँ। वो अब भी मुझसे काफी दूरी पर हैं। चलो चले। अरे नीचे लग गए। अरे नहीं, वो चले गए। अरे नहीं, क्या ये यंत्र खराब हो गया? लगता है अब तो ठीक चल रहा है। वो मेरे नजदीक आ रहे हैं। अब तो वो बहुत दूर है। कुछ बोल रहा है तो बोल दे लक्का। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन क्यों? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तेरी पिटाई के बाद तुझे समझा दूंगा। बाहर आ जाओ भालू, मुझे पता है तुम छुपे हुए हो। तुम मुझे पेड़ काटने से रोक नहीं सकते हो, समझे क्या तुम गंदे बालो? अरे हाँ, वो तो हम देख लेंगे। छोटे तैयार, चलो। ए लक्का, तुझे पकड़ लिया हमने। टकले तो पकड़ा गया। ये तो एक बुरे सपने जैसा है। बस बहुत हो गया तेरा, तू कबाड़ की दुकान क्यों? मेरे साथ कभी कुछ सही क्यों नहीं होता है? तेरी सुबह हो गई भाई, उठ जा भाई। ये बंदा सुबह सुबह बिना बताए कहाँ चला गया? उसे पता है कि मुझे अकेला रहना पसंद नहीं है। वाह कितना सुहाना दिन है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। कहाँ मर गए सबके साथ? चिंटू, ए चिंटू यहाँ देखो, यहाँ देखो। डब्लू तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? मैं खुद की मर्जी का मालिक हूँ। नामुमकिन, तुम
मुझे तुम्हारे भाई की मदद के बिना ढूंढ ही नहीं सकते। फिर मिलेंगे। अच्छा ठीक है। अब जाकर चैन की राहत मिली। डब्लू तू क्या कर रहा है? मैं भी शामिल हो जाऊँ इस खेल में। खेल? मैं कोई खेल नहीं खेल रहा। तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है। मैं अपना काम कर रहा हूँ। अंधा है क्या? मुझे नहीं पता था। सोने का टाइम आ गया। फिर मिलता हूँ। ठीक है। और तेज बाबू, कोशिश कर रहा हूँ महाराज। क्या मैं थोड़ी देर आराम कर सकता हूँ? तुमने एक घंटे पहले ही नींद मारी है। मेरे लोग मुझे एक शानदार सवारी पर सवार होते देखना चाहते हैं। रेंजर बाबू, ये लोग मुझे खेलने से कभी मना नहीं करेंगे। रेंजर बाबू, रेंजर यार, कैसे हो तुम लोग? बोलो कैसे हो तुम लोग? तुमने अपने महाराज का कचरा कर दिया, बुजदिल कहीं के। हाँ सही कहा आपने, बुजदिल कहीं का। कैसा लगता है जब तुम लोग ऐसी बातें करते हो जो मेरे दिमाग के ऊपर से चला जाता है? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरी खिल्ली उड़ाने की? बाबू चलो। तुम्हारी औकात नहीं मेरे साथ खेल खेलने की। अगली बार हमारे मुँह मत लगना। वैसे भी मुझे किसी की जरूरत नहीं है खेलने के लिए, समझ गए? भाई को डराने में मजा आएगा। कितने अच्छे फल है मेरा फल। तुमने मेरे सारे के सारे फल गिरा दिए। तेरी वजह से मेरे खाने के फल सब जमीन पे गिर गए। बेवकूफ, माफ कर दे भाई। मुझे लगा कि तुम फलों के साथ कुछ कर रहे हो। माफ कर। ओए डब्लू, तुझे वैसे भी क्या पता होता है? हाँ, अपनी गंदी शक्ल लेके यहाँ से दबा हो जा मेरे सामने से। किसी को मेरे साथ टाइम खेलना है, छोड़ो यार। कोई तो मेरे साथ खेलो। वो क्या है? कोई तो मेरे साथ खेलो। अजीब है यार, कोई आसपास भी नहीं है। कोई तो मेरे साथ खेलो। क्या ये मेरा वहम है भाई? हा? कोई तो मेरे साथ खेलो। कोई तो मेरे साथ खेलो। कोई तो मेरे साथ खेलो। ये तो कोई बोलता खिलौना है। कोई तो मेरे साथ खेलो। मैं खेलूंगा तेरे साथ डंडा खिलौना। कोई तो मेरे साथ खेलो। इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलता ये। अरे यार, कोई तो मेरे साथ खेलो। ओ ये तो एक बटन है, मैं इसे दबाऊंगा। कोई तो मेरे साथ खेलो। बटन। हेलो हेलो, तुम कौन हो? ये तो और भी प्रकार की बातें करता है। बढ़िया है, मेरा नाम डब्लू है। हेलो बब्लू, मेरा नाम है प्रोफेसर कडल्स। अध्यापक कडल्स, ये तुम्हारा नाम है? मुझे तुमसे मिलके अच्छा लगा। ये मेरा नाम है? ये तो कमाल हो गया, अब मेरे पास एक दोस्त है जिसके साथ मैं खेल सकता हूँ। तो पहले क्या खेलना चाहोगे बोलो? मैं अकेला नहीं हूँ। मेरा नाम है प्रोफेसर कडल्स। अब ये कहाँ चला गया? अब तो इसे घर आ जाना चाहिए था। डब्लू रुक जा। डब्लू कहाँ है तू? डब्लू मेरा भाई, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे भाई। डब्लू तेरी तो डब्लू 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 आखिर इतनी रात को डब्लू कहाँ जा सकता है? भाई तुम यहाँ पे क्या
क्या कर रहे हो बड़ा? तुझे शर्म नहीं आती? मैं तुझे सुन रहा हूँ, तू इधर क्या कर रहा है? मैं कितना परेशान था तुझे पता है? तुझे अंदाजा भी है क्या वक्त है? अब चुपचाप घर चल अभी। ये गुड़िया लेकर क्यों घूम रहा है तू? तू अब रोना बंद करेगा? मुझे वापस कर दो पहले। ठीक है, ये ले ले। बहुत अच्छे भाई है तू मेरा, शुक्रिया आपका भाई। और तू बड़ा बच्चा है, अब चल चलते हैं। ठीक है। ए भाई देखो देखो, अजय वो कडल्स कितने प्यारे लग रहे हैं, देखो भाई देखो। हाँ ओ रेंजो बाबू, मेरे नए दोस्त से मिलो, ये देखो। हाँ मेरा ही बचका हो गया। भाई भाई क्रिकेट खेला है, इस डंडा से बैट पर लगे क्या बोलते हो? ऐसे ऐसे ऐसे। शुक्रिया। ठीक है, मैंने अभी अभी साफ सफाई की है। बेवकूफ कह के दबा हो जाए यहाँ से। लेकिन क्यों? ये तो सिर्फ एक टूटा हुआ मटका है, इसमें इतनी भड़कने वाली क्या बात है भाई? डब्लू क्या मजाक लगा रखा है ये? नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, ये तेरी गलती है भाई, तुझे ही नजरअंदाज करता रहता है और मुझे ऐसा पसंद नहीं। अध्यापक चलो यहाँ से। अब दबा भी होने यहाँ से, तेरी वजह से मैं साफ सफाई नहीं कर पाया, समझा तू? भाई तुझे माफी मांगनी पड़ेगी। यह कितना अजीब है, काम चौक कहीं का बस सारे टाइम खेलते ही रहता है, इसे अकल कब आएगी? तो अध्यापक अब तुम और मैं दोस्त है हमेशा के लिए। तो मेरे साथ खेलो, कोई तो मेरे साथ खेलो। मैं तेरा दोस्त हूँ ना, मेरे होते हुए तुम्हें किसी की भी कमी महसूस नहीं होगी। अध्यापक हम सच्चे दोस्त है हमेशा के लिए। तो मेरे साथ खेलो। आप समझा, तुम मजाक कर रहे हो हसमुख कही गया। हेलो हसमुख, ये मेरा नाम नहीं है, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। मेरा नाम है प्रोफेसर कडल्स। बस भी करो तुम। क्या करो, मैं तुम पे गुस्सा भी नहीं कर सकता, माफ करना डॉल। तो मेरे साथ खेलो। शायद बारिश होने वाली है, हमें घर पे जाना चाहिए, चलो। अब दबा भी होले, तेरी वजह से मैं सफाई पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। रुको, मैं घर पर नहीं जा सकता, मैं तो हूँ पागल। मैं तो कहूँगा कि मैं कोई छत ढूंढ लूँ बारिश से बचने के लिए। वहाँ पे गुफा है, मजा आ गया, चलो चलो। काश मेरा अच्छे दोस्त तुम जैसे होते हैं। आई लव यू, गुड नाइट। ठीक है, अच्छे से सोना, अपना ख्याल रखना, कल सुबह फिर से मस्ती करेंगे। मैंने सर से कहा था कि आज बारिश होने वाली है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे काम करवाया। सर मेरी बात कभी सुनते क्यों नहीं है? ये तो एक गुफा है, कमाल हो गया, क्या किस्मत है मेरी।